हेलो फ्रेंड्स, फ्यूजन किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप अभी सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज़ को सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करें। और फ्रेंड्स, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बना रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोले मसाले की एकदम सीक्रेट रेसिपी बता रहे हैं। एकदम बाजार जैसा मसाला ये बनता है, आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। आप MDH का लेते होंगे, कैच का लेते होंगे, एवरेस्ट का लेते होंगे, ये सारे कंपनी के आप भूल जाएंगे जब आप ये ऐसा मसाला घर पे बना लेंगे। इतना अच्छा ये मसाला बनता है, एक साल तक ये ख़राब भी नहीं होता। आप इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में आप इसको रखें या फ्रीज़र में रखें, ये ख़राब नहीं होएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मसाले को बनाने के लिए कुछ साबुत मसाले हमें चाहिए होते हैं और कुछ पीसे हुए मसाले। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं साबुत मसाले कौन कौन से इसमें डलेंगे और इनकी क्या क्या क्वांटिटी यूज़ होएगी, तो आप देखते जाएं। सबसे पहले हमने ज़ीरा लेना है, 2 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं, कोई आपको शाही ज़ीरा लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमने तेज पत्ते लिए हैं, ये 4 हमने लिए हैं क्योंकि हमारे छोटे साइज़ के हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 ले लें। और एक दालचीनी का हमने टुकड़ा लिया है 2 इंची का। और यहाँ पे हमने 10 लौंग लिए, 1 मोटी इलायची ली है, 1/2 टीस्पून हमने अजवाइन ली है, और काली मिर्ची के जो साबुत दाने होते हैं ये हमने 1 टेबलस्पून लिए, 3 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया लिए, और हमने ये सूखी लाल मिर्चें ली हैं, ये तेज़ होती हैं, 8 हमने लिए, इससे ज़्यादा आप ना डालें नहीं तो बहुत तेज़ ये बन जाएगा मसाला। तो आपने यही प्रोपोर्शन लेके चलना है मसाले को बनाने के लिए। अब ये साबुत मसाले को हम पहले एक एक करके ड्राई रोस्ट करेंगे, तो वो हम करते हैं। अब आगे मसालों को ड्राई रोस्ट करने के लिए हमने पैन गरम होने के लिए रखा हुआ है और इसकी फ्लेम हमने लो ही रखनी है। लो फ्लेम पे आपने मसाले रोस्ट करने हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो एकदम जल जाएंगे सारे मसाले और इनका टेस्ट मसाले में अच्छा नहीं आएगा। बाद में जो आपका जो मसाला बनेगा ना वो एकदम ख़राब बनेगा। तो आप इसको एकदम फॉलो करें कि आपने लो फ्लेम पे ही इनको रोस्ट करना है। और एक एक करके हम डालते हैं मसाले। सबसे पहले हम ये लाल मिर्ची डाल देते हैं सूखी हुई। और इनको चलाते हुए हमने रोस्ट करना है ताकि हीट इवनली आए। बहुत ज़्यादा भी आपने इनको रोस्ट नहीं करना, जैसे ही थोड़ी खुशबू आने लग जाए तो आप इनको निकालते जाएं। बाहर तो आप यूज़ करते हैं मसाला लेके, छोले मसाला आप लेके आते हैं, बनाते होंगे, आप यूज़ करते होंगे, लेकिन आप ऐसे बनाएंगे आपको इतना टेस्टी है मसाला लगेगा आप बाहर का लेना भूल जाएंगे। ये एकदम सीक्रेट रेसिपी है मसाले की, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको नहीं पता होगा कैसे बनता है मसाला, लेकिन अब आप ये सारी वीडियो देखेंगे आप घर पर एकदम आसानी से बना सकते हैं। फिर इस टाइम पे अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है मिर्ची में से, हम इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। आप ऐसे कोई बाउल ले लें उसमें निकालते जाएं। ये ऐसे हम डाल देते हैं और आगे दूसरे मसाले को रोस्ट करते हैं। दालचीनी डाल देते हैं, मोटी इलायची और लौंग, ये तीनों चीज़ें इकट्ठे रोस्ट हो जाएंगी, इनको कर लेते हैं। चलाते हुए रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये आपने ध्यान देना है। आप इसको डाल के छोड़े ना मसाले को। और रोस्ट करने का मेन रीज़न क्या होता है कि आप जो ये भी मसाला यूज़ कर रहे हैं इसका जो मॉइस्चर अगर थोड़ा सा भी रह गया वो निकल जाए, ये रीज़न होता है रोस्ट करने का, ये ज़रूरी होता है। इससे मसाला आपका ज़्यादा देर तक ठीक रहता है। आप बना के इसको रखेंगे, हम कोई प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करेंगे। आप देखेंगे वीडियो में कोई हम प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ करेंगे इसको बनाने में। और बाहर के आप मसाले लेते हैं आपको टेस्टी तो लगती है चीज़, लेकिन उसमें आपको ये नहीं पता होता GMC CMC टेस्ट मेकर्स जो होते हैं ना वो एनहेंस करने के लिए एडिड होते हैं। तो हम कुछ भी ऐसा नहीं डालेंगे, ये हेल्थ के लिए अच्छे भी नहीं होते ये चीज़ें खानी। आपको पता नहीं होता लेकिन ये एडिड होता है और प्रिजर्वेटिव्स भी एडिड होते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रा भी अच्छे नहीं होते। इनको बना के आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। मैक्सिमम 1 साल तक आप इनको यूज़ कर सकते हैं, वैसे के वैसे ही रहेंगे। आप इनको बस फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर करें, और जो भी कंटेनर में आप इनको स्टोर कर रहे हैं वो एकदम स्टेरलाइज कंटेनर होना चाहिए। ये भी रोस्ट हो गए, इनको भी निकाल लेते हैं। अब आगे हम ये साबुत धनिया डाल देते हैं।
ये देखिए धनिया में से भी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब आगे हम काली मिर्चें रोस्ट करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम सारी चीज़ें अलग अलग ऐसे रोस्ट कर रहे हैं, हम इनको इकट्ठे भी तो रोस्ट कर सकते हैं। नहीं, लेकिन हमने इनको ऐसे नहीं करना, क्योंकि हर एक चीज़ को रोस्ट होने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। आप इनको इकट्ठे नहीं रोस्ट करेंगे, अगर आप डाल दिया इकट्ठा आपने सारा कुछ तो क्या होगा, कोई चीज़ जल जाएगी, कोई अंडा कुक हो जाएगी, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सारे एकदम इवनली कुक होने चाहिए जो भी मसाले हम डाल रहे हैं। इसमें भी जब तक खुशबू नहीं आती हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। ये काली मिर्ची भी रोस्ट हो गई है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मसालों को रोस्ट करने में, 1 से 2 मिनट में ये रोस्ट हो जाते हैं। अब हम इसमें अजवाइन डाल देते हैं। बस अब जीरा रह गया और तेज पत्ता। थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन घर में आप ऐसे बना रहे हैं, आप फिर इसको यूज़ भी करेंगे ना, आपको इतना टेस्टी लगेगा बना के खाने में। कोई भी डिश आप बनाएं छोले की, इवन काले चने भी जो होते हैं ना, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं ये मसाला। ज़रूरी नहीं है जो वाइट वाले काबली चने आप बना रहे हो उसी में ही आप डालेंगे, पूरा बाहर जैसा ये मसाला बनेगा। आगे हम अपने चैनल पर और भी तरह तरह के मसाले बनाने सिखाएंगे, आप हमारी वीडियोज़ देखते रहें। ये अजवाइन भी अच्छे से भुन गई है, इसमें से अच्छी खुशबू आ रही है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें तेज पत्ता डाल देते हैं। ये भी भुन गया तेज पत्ता, इसको भी निकाल लेते हैं। अब लास्ट बस जीरा रह गया, वो भी हम डाल देते हैं। जीरे की भी अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, बस अब इसको भी निकालते हैं। फ्लेम हम अभी ऑफ कर देंगे, इसको निकाल लेते हैं। ये आप देखिए सारे मसाले हमने ड्राई रोस्ट कर लिए हैं और बाउल में डाल दिए, इनको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ये ठंडे होंगे हम आपको फिर मिलते हैं। ये सारे मसाले जो हमने ड्राई रोस्ट करे थे अच्छे से ठंडे हो गए हैं, ये आप देखिए हम इजीली हाथ डाल पा रहे हैं इसमें। अब इसमें हमने एक चीज़ और डालनी है, हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे 1 टीस्पून, ये हमने डाल दी है। अब ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से ग्राइंड करना है, इनको फाइन पाउडर बनाना है हमने, तो हम आपको मिलते हैं ये पाउडर बनाने के बाद, फिर इसमें हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे आगे। ये आप देखिए हमने सारे खड़े मसाले जो भी रोस्ट करे थे अच्छे से ग्राइंड कर लिए, इनका फाइन पाउडर बना लिया हमने, और इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब कुछ और ऑलरेडी पिसे हुए मसाले हैं वो भी इसमें हमने ऐड करने हैं, वो कौन कौन से हम आपको दिखाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं अब जो पिसे हुए मसाले हैं वो कौन कौन से हैं और इनकी कितनी कितनी क्वांटिटी यूज़ होगी। सबसे पहले आप देखिए हमने यहाँ पे अनारदाना पाउडर लिया है। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप जो साबुत होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको क्या करना है कि जो मसाले आपने पीसे थे, जैसे हमने जब कसूरी मेथी डाली थी ना उसी टाइम आपने डाल देना, आपने उसको ड्राई रोस्ट नहीं करना, सिंपल कसूरी मेथी के साथ ही आपने डाल के पीस लेना है। और ये हमने लिया 2 टेबल स्पून, और साथ ही हमने अमचूर पाउडर लिया 1 टीस्पून, और यहाँ पर हमने लिया काला नमक 2 टीस्पून, और जो रेगुलर नॉर्मल सॉल्ट होता है 1 टीस्पून, और हमने यहाँ पे जिंजर पाउडर लिया है जो सौंठ का पाउडर होता है 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें हम ये मसाले में ऐड करते हैं जो हमने पहले से बनाया हुआ है, उसमें ये मिक्स करते हैं। ये सारे मसाले हम इसमें मिक्स कर देते हैं। बहुत ही टेस्टी ये मसाला बना है, एकदम सीक्रेट रेसिपी हमने आपको बताई है, आप इसको ज़रूर बनाएं घर पे, और आप ये छोले की कोई भी रेसिपी बना रहे हो उसमें ऐड करें, इतने बढ़िया आपके छोले बनेंगे। ये सारे मसाले हमने डाल दिए, इनको अच्छे से मिक्स करना है हमने, मिक्स कर लेते हैं हम। बहुत ही बढ़िया ये मसाला बना है, बाहर से अब आपको कोई मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे घर में बनाएं, बहुत ही आपको पसंद आएगा ये मसाला।
आप एक बार यूज़ तो करें बना के, फिर ही आपको पता चलेगा ना कैसा ये बना है। और इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें और एक साल तक ये ख़राब भी नहीं होएगा। आप देखिए, रेफ्रिजरेटर में आपने स्टोर करना है या फ्रीज़र में आप स्टोर कर लें। और आपने ये देखा है, हमने कोई भी इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड करे हैं। कितना अच्छा ये मसाला बन गया, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है इसमें से। आप भी ये मसाला घर में बनाएं और कोई भी रेसिपी में आप बना रहे हैं छोले की यूज़ करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए, ये सब अच्छे से मिक्स भी हो गया, ये मसाला बनकर एकदम तैयार हो गया। जो सीक्रेट छोला मसाला है ये हमने बना ली है, आप भी इसको बनाएं। हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपीज़ और वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।